तो ये आज जो है हमारा पॉइंट समझ लो, टेंस की बेसिक क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो पॉइंट है वो है आपका एक्टिव पैसिव बेसिक क्लास। अब बेसिक क्लास का क्या मतलब है, सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर इंटर बारहवीं तक के बच्चों के लिए है ये, ठीक है। एडवांस क्लास का मतलब क्या होता है, बारहवीं से ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, समझ रहे हो। जो हमारी एडवांस की प्लेलिस्ट है वो गवर्नमेंट जॉब्स के पर्पज से है, बेसिक की प्लेलिस्ट एकेडमिक के पर्पज से। आप सातवीं से बारहवीं तक के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आप बेसिक प्लेलिस्ट को फॉलो करो और उससे ऊपर हो तो बारह से ऊपर हो तो बारह से ऊपर का मतलब समझते हो क्या है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। देखो भाई चलिए पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव एंड पैसिव, इसकी बेसिक क्लास है। तो आपको अपनी लाइफ में एक चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर तीन होंगे, एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। पर सातवीं से बारहवीं तक की क्लास में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपसे कहा जाएगा कि एक्टिव से पैसिव बना दो, तो मैं बेसिक क्लास में वही सिखाऊंगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बना दें। पहली बात, जब आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे जनरली अच्छे एग्जाम में ये नहीं कहते कि पैसिव बना दो, वो भी क्वेश्चन आता है, वो गलती देता है आपको स्ट्रक्चर में और आपसे पूछता है, उम्मीद करता है कि आपको पैसिव की नॉलेज है, तो ये नहीं कहेगा बना दो, आपसे बोलेगा इसको चेक करो ये एक्टिव में ठीक है या पैसिव में ठीक है, यानी वो एरर में देगा या फिल इन द ब्लैंक्स में देता है भरने के लिए। तो वहां पर ये देखना पड़ता है ये जो लिखा हुआ है ये एक्टिव में सही जाएगा या पैसिव में सही जाएगा, बात समझ रहे हो। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, बेसिक में बेसिक, एडवांस में एडवांस। फिलहाल यहां पे हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तीन मिलेंगे, एक्टिव पैसिव पॉजिटिव, थोड़ा समझ लो। एक्टिव स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है, जब वो हमसे ये ना कहे कि पैसिव बना दो, तो एक चीज आपको समझ में होनी चाहिए कि जो बेसिक है वो समझ लो। देखो एक्टिव के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो काम करता है, एक्टिव स्ट्रक्चर जब ठीक होगा, मतलब एक्टिव बनाना ही तब है जब आपका सब्जेक्ट दिए गए काम को कर सके। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, तो मैं तो पढ़ा सकता हूं ना, अरे हाया ना, बात समझ रहे हो, लेकिन ये बाइट बोर्ड पढ़ा देगा तुम्हें, ये तो नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो जब आपका सब्जेक्ट दिए गए काम को ना कर सके तो क्या बनता है, पैसिव। अब ये पता कैसे लगता है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, काम को देख लो और सब्जेक्ट को देख लो। अब मान लो यहां पर सब्जेक्ट दिया ताजमहल और यहां पे काम दे दिया सी देखना, तो ताजमहल किसी को देख सकता है या खुद को देख सकता है, तो यानी वो पैसिव में जाएगा, बात समझ रहे हो। जब सब्जेक्ट काम नहीं कर पाएगा तो क्या बनेगा, पैसिव, और कर सकता है तो एक्टिव, है ना। जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक और चीज, सब्जेक्ट दे दिया मान लीजिए आपको स्टूडेंट, और या वर्ब है या एक्शन है सस्पेंड, तो स्टूडेंट किसी को सस्पेंड कर सकता है, स्टूडेंट सस्पेंड होगा पैसिव बनेगा। अच्छा अगर यहां पर दे दिया सब्जेक्ट प्रिंसिपल और यहां दे दिया सस्पेंड, तो प्रिंसिपल तो सस्पेंड कर सकता है ना कॉलेज के अंदर किसी को, है ना, क्लियर है। यहां पर सब्जेक्ट तो तुम खुद आई और आपके सामने एक्शन है वॉश और ऑब्जेक्ट है कार, तो तुम तो कार को धो सकते हो ना, एक्टिव में जाएगा। और यहां पर सब्जेक्ट है मान लो आपकी कार और आगे है वर्ब वॉश, तो क्या तुम्हारी कार वॉश कर देगी किसी को या खुद को कर देगी, पैसिव में जाएगा। फर्क समझ रहे हो, ये बेसिक फर्क है। आगे आइए, तीसरा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब आपका सब्जेक्ट खुद काम ना करे, बीच में एक तीसरे बंदे को लाए और उससे काम कराए। जैसे अब मान लो आपकी किसी से लड़ाई है भाई, अब डायरेक्ट नहीं लड़ सकते आप उससे मान लो, तो तुमने क्या किया, दो चार गुंडे वुंडे इकट्ठे किए, उनसे कहा ये लो भाई मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूं और जाके उससे ठोक दो। अब सिंपल सी बात है, तुम तो नहीं पीट रहे ना उसे, तुम तो नहीं पीट रहे ना, तो ये एक्टिव नहीं है, हाया ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, थर्ड पर्सन को बीच में ला रहे हो, कुछ लोगों को या एक लोग को या एक आदमी को तुम बीच में लाए, उससे अपना काम कराया, ये होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कॉज बनना, कारण बनना, वजह बनना। तो कोई बंदा बीच में आएगा वो वजह बनेगा उस काम की। जैसे आपने देखा होगा हम अक्सर बोलते हैं मैं अपने बाल कटवाता हूं, हाया ना, तो मैं खुद काटता हूं। एक बंदा आता है बीच में नाई, वो काम करता है ना, पॉजिटिव है। मैं अपना फोन रिचार्ज करवाता हूं, तो मैं जो भी काम करवाता हूं उसके लिए बीच में कोई पर्सन है, थर्ड पर्सन, वो करता है उस काम को, मैं डायरेक्ट नहीं करता, हाया ना। अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो एक्टिव है भाई, नहीं कर पा रहा तो पैसे में बना दूंगा, हाया ना। जैसे अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आप बताना खुद एक्टिव बनेगा पैसे बनेगा या पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। एक एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस मैंने बोला मैं हूं और मेरे सामने मान लीजिए काम है दौड़ना, मैं दौड़ सकता हूं, ठीक है।
मैं लड़ सकता हूं, ठीक है। अब पैसिव में देखो, यहां पे सब्जेक्ट है आपके सामने, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके सामने सब्जेक्ट हो रहा है डेड बॉडी, और यहां वर्ब है वरी, वरी मतलब होता है दफनाना, तो डेड बॉडी किसी को दफना देगी, पैसिव बनेगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है, तुम कह रहे हो मैंने रिश्तेदारों को पानी पिलवाया। मैंने रिश्तेदारों को पानी पिलवाया, तो तुमने पिलाया क्या? किसी से कहा होगा, उसने जाके पिला दिया, क्या है? पॉजिटिव। मैंने उसे गिरफ्तार करवाया, तो खुद तो नहीं कह रहा मैंने, गिरफ्तार तो पुलिस ने किया, तो बीच में बंदा आ गया ना काम करने के लिए, ये होता है पॉजिटिव, ये है बेसिक। अब देखिए आगे अपने एक्टिव पैसिव पे आते हैं, फिलहाल इन दोनों को ही समझते हैं। देखो भाई, आप सभी को पता है टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, उससे पहले पास्ट होता है, प्रेजेंट से आगे फ्यूचर होता है, और टेंस चार होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल ये हो कितने जाते हैं, जोड़ोगे तो 12। अरे हाया ना, तो एक बात समझ लो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, हमने जो टेंस पढ़े वो एक्टिव ही तो था, उसमें सब्जेक्ट ही तो काम कर रहा था, तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक तो तीनों में से किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, यानी ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा पैसिव, ना ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्यों नहीं बनेगा वो एडवांस क्लास में बता देंगे हम, ठीक है। फिलहाल समझ लो पॉइंट को, तीन तो एक कट गए, 12 में से 3 घटाओ, 9, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता, यानी फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसका भी नहीं बनता, तो टोटल 12 में से 4 कम हो जाते हैं, तो कितने का पैसिव बनता है सिर्फ? ये बात याद रहेगी, तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो कल की वीडियो में आ जाएगा, या तो इसी में बेसिक में या फिर एडवांस वाली में। समझ रहे हो वही बात को? यानी ये समझ में आ गया यार, 12 में से बस, मतलब टोटल 12 है, 8 का बनाना है, एक तो तीनों का ये इंडेफिनेट का बन जाएगा, तीनों का कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा फ्यूचर छोड़ के, और तीनों का परफेक्ट बन जाएगा। बात समझ रहे हो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा तीनों का, तीन तो वो कट गए 12 में से, 4 समझ रहे हो कैसे हो रहे हैं 12, पास्ट के साथ इंडेफिनेट, पास्ट के साथ कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ परफेक्ट, पास्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस 4, प्रेजेंट के साथ इंडेफिनेट, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस 8, फ्यूचर के साथ इंडेफिनेट, फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस, फ्यूचर के साथ परफेक्ट, फ्यूचर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे 12 होते हैं ना। तो एक तो तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस गया और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस गया, 8 रह गए। अच्छा बेसिक क्या होता है ये देखो, कभी भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना हो, जब वो आपसे कहे कि पैसिव बना दो, उसका बेसिक सिंपल था है कि बी वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव बनाने के लिए, ध्यान रखना। अब बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी हम आगे देख लेंगे, बात समझ रहे हो ना। अच्छा अब समझने की बात यह है भाई, तरीका क्या है, तरीका समझ लो, बी वर्ब की यह भी पता होगा आपको, फर्स्ट फॉर्म बी इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, आईएनजी फॉर्म बीइंग, याद रखना इसको काम आएगी। तरीका क्या है, तरीका यह है कि एक्टिव के अंदर आपको सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो जब भी पैसिव बनाओगे तीन काम तुमको हर पैसिव में करने हैं, कि ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ, क्या बना के, सब्जेक्ट बना के। कैसे बनाएंगे देखो भाई, अगर मी होगा तो उसका क्या हो जाता है, आई, ऑब्जेक्ट यहां पे मी है तो क्या हो जाएगा, आई, और समझ रहे हो बात को, है ना। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट यू होगा तो क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होंगे पता होना चाहिए। अच्छा अस होगा ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, वी। अच्छा उसके अलावा और क्या होता है बताओ फटाफट, ही होगा तो, अगर ऑब्जेक्ट हिम होगा तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो भाई, ही या हर, ही होगा, ध्यान रखना गड़बड़ी मत कर देना, सी। आगे देखो, अगर हर होगा ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी, इट होगा ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट इट, इतनी बात तो पता है ना, और अगर देम हुआ ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, बोलो भाई, दे बनेगा ना, टी एच ई वाई दे, है ना। अच्छा ये पहला काम समझ गए, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट बनाकर, अरे हाया ना, ठीक है। दूसरा काम है सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे बाय लगा के, और क्या क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो आई हो तो क्या हो जाएगा, मी, यू होगा तो यू, वी होगा तो अस, ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर, और इट का तो इट ही रहता है, और दे का देम, और नाम किसी का नहीं बदलता, चाय कॉफी दूध किसी चीज का नाम है तो वो तो नाम का ऑब्जेक्ट तो नाम ही रहता है, सब्जेक्ट भी नाम ही रहता है। अब यहां पे कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही होगी कि भैया क्या बता दिया, कुछ नहीं बताया, आप ऑब्जेक्ट को यहां पे लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना भाई, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बनता है, दे दिया। जब सब्जेक्ट को उधर ले जाओगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना, तो सब्जेक्ट से कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, इधर देख लो, अरे हाया ना, दो काम हो गए, कैची का गुणा करना है, सिंपल सी बात है, यू हैव टू अप्लाई सीजर्स मल्टीपल, यानी कैची का गुणा कर दो, ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ, सब्जेक्ट को वहां पे ले जाओ बाय लगा के, और तीसरा पॉइंट, वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं। अब दिक्कत आती है बच्चे को हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, तो इसका इलाज अभी समझ लो क्या लगाते हैं। देखो दोस्त,
अगर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस है आपका, या तो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती। मैं फिर से बोल रहा हूं, आई रिपीट, मार्क माय वर्ड्स, अगर ये मेरे वर्ड्स को याद रखना जो बोल रहा हूं अभी, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस है किसी भी टाइम पे, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती। बस होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस में एक्स्ट्रा बढ़ा देते हम बीइंग, और परफेक्ट में एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं बीन। अरे हाया ना, ये बात याद रहेगी। और इंडेफिनिट में क्या बढ़ाते हैं वो बताएंगे आपको। फिलहाल ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब अगर कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस है तो नहीं बदलती, बस एक्स्ट्रा में कॉन्टिन्यूअस में बढ़ जाएगा बीइंग और परफेक्ट में बढ़ जाएगा बीन। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं कि एक्टिव से पैसे बना। अब आज मैं आपको जितने भी एक्टिव पैसे हैं उसमें से एक टेंस मैंने पकड़ लिया कॉन्टिन्यूअस, उसका सिखाता हूं। तो पहले आप एक्टिव सीख लो। देखिए कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है भाई, उसमें रहा रही रहे मिलते हैं, ठीक है। अगर रहा रही रहे में एक चीज समझ लो, रहा है रही है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, रहा था रही थी तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा रही होगी तो, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है तो मैंने वो लिखा भी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है एक तो तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, ध्यान से समझ लेना। चलिए अच्छा, बेसिक क्या होता है एक्टिव की बात जब मैं करता हूं, एक्टिव मतलब जब सब्जेक्ट काम करे, ठीक है। तो ध्यान से समझो भाई बात को, बी वर्ब के साथ अगर आईएनजी आएगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। बी वर्ब का पहला डिब्बा बी इज ए बार, दूसरा डिब्बा वॉज बार, तीसरा डिब्बा क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, बींग, और आगे बींग। खास बात क्या है, फर्स्ट बॉक्स बताएगा प्रेजेंट टाइम और सेकंड बॉक्स क्या बताता है, पास्ट टाइम। तो अगर कोई तुमसे कहे कि हमें फॉर्मूला बताओ भाई पहले एक्टिव का, तभी तो पैसिव बनाएंगे। अब किसी को एक्टिव की ही पहचान नहीं है तो पैसिव कैसे बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बना देते हैं फॉर्मूला। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट टाइम है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मतलब आपको बी वर्ब के संग आगे आईएनजी चाहिए, है ना। तो प्रेजेंट की वजह से इज एम आर के साथ लगा दो आईएनजी, ये फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यहीं पर तुमसे कहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बना दो, तो भाई कॉन्टिन्यूअस टाइम है और ये पास्ट सॉरी टाइम है और कॉन्टिन्यूअस क्या है, टेंस है, तो पास्ट टाइम पे बनाना है कॉन्टिन्यूअस का, तो दूसरा डिब्बा उठा दो बी वर्ब का वॉज वर्ब और उसके साथ आईएनजी, मिल गए फॉर्मूले। यानी इज एम आर के साथ आईएनजी मिले तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ मिले तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है। अब देखो भाई कैसे बनाते हैं, अब आपके सामने सेंटेंस है, आपको बनाना है पैसिव, ये तीनों एक्टिव है। आई एम वॉशिंग क्लॉथ, इसका मतलब है मैं कपड़े धो रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट समझो, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है पहले वो पहचानो, ये वर्ब है पूरी, अरे हाया ना। अब वर्ब की भी बात करूं तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वॉशिंग क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टाइम बताती है और मेन वर्ब काम बताती है, काम क्या हो रहा है, धोने का कपड़े, टाइम क्या है, अभी। पहला डिब्बा है ना बी वर्ब का, आगे देखो, और जो वर्ब से पहले होता है वो कौन होता है भाई, सब्जेक्ट, और जो वर्ब के बाद होता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। और किसी को नहीं भी पता तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूं, अगर आपने वर्ब से दो क्वेश्चन कर दिए, या तो क्या या फिर किसे किसे, इन दोनों का जो जवाब होगा वो हमेशा क्या होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखो सब्जेक्ट का मसला नहीं है, वो पहले मिल जाएगा आपको, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी मिलता तो बच्चा फिर भी पैसे बना देता है उसका, तो जबरदस्ती ठोक नहीं देना उसको कि दिखा और बना दिया पैसे, देख लेना ऑब्जेक्ट हैवी है कि नहीं है। तो अब यहां पे कह रहा हूं मैं कपड़े धो रहा हूं, क्वेश्चन करो क्या धो रहे हो भाई, क्लॉथ, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो क्या या किसे, दोनों का जवाब मिल जाए या किसी एक का मिल जाए तो ऑब्जेक्ट है। आगे देखो भाई, तो मैंने जो तरीका बताया वो ये था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, क्लॉथ तो कपड़े हैं, ये तो ऐसे ही रहेंगे, नाम है, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका यहां पर क्लॉथ, पहला काम हो गया। दूसरा सब्जेक्ट को इधर ले जाओ बाय लगा के, बाय लगा के आई को जब वहां पर ले जाएंगे, ये पहला काम हो गया, जब ले जाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा, मी। यही समझा रहे थे अभी भैया कि इधर अगर कोई प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट वाला, उसे यहां लाओगे तो सब्जेक्ट वाला बन जाएगा, सब्जेक्ट वाला, फिजिक्स वाला, देखो कैसे नाम निकल के आ रहे हैं। आगे देखो, सुना है फिजिक्स वाला, चलिए देखिए, अगर कभी भी आई है मतलब कोई भी सब्जेक्ट है यहां पे, वहां ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अभी बताया मैंने पीछे वाली क्लास में, ध्यान रखना आई मी में बदलेगा और मी आई में बदलेगा, जैसे लाओगे वैसे। यू किस में बदलता है भाई, यू तो यू में ही बदलता है, हाँ ना, लिखाया था अभी। अच्छा वी किस में बदलेगा बोलो भाई, अस में, और अस किस में बदलेगा, वी में, ये बात तो मालूम है ना भाई। अच्छा ही के बारे में बताओ, ही किस में बदलेगा, हिम में, और हिम ही में। आगे बताओ शी किस में बदलेगा भाई, हर में, और हर शी में। इट किस में बदलेगा भाई, इट में, और इट भी इट में। अच्छा दे किस में बदलेगा, दे,
टी एच ई वाई दे, बोलो भाई, डैम में, और डैम दे में, बेसिक सी बात है। तो देखो मी कायम बदल गया, मतलब आई कायम बदल गया मी में, आया ना। अब आगे देखो दो काम हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही है आपको तीसरे नंबर पे यहां, तो वॉश जो लिखा हुआ है वॉशिंग आईएनजी लगा के, यहां पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। क्या हो जाएगी भाई? थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान रखना, बहुत मसला हो जाएगा वरना। अब बताओ आगे, अब जगह बची है हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? मैंने आपको एक बात बताई थोड़ी देर पहले, क्या बताई बोलो? हाँ, क्या बात थी? मैंने ये बोला था जेंटलमैन के कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलती, और ये कॉन्टिन्यूअस ही है, इज एम आर का इज एम आर ही रहने वाला है, इट रिमेन सेम। तो यहां पे आई के हिसाब से तो एम है, क्लॉज प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? आर। मतलब इज एम आर का इज एम आर रहा ना, कुछ बदला नहीं। और मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब भी पैसे बनाते हैं बस एक ही चीज बढ़ेगी, क्या? बीइंग। तो यार क्या लग जाएगा आर के बाद, बोलो भाई? बीइंग। और आपका पैसे बन के तैयार हो गया, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मी। पहले का मतलब है मैं कपड़े धो रहा हूं, दूसरे का मतलब है कपड़े मेरे जरिए धोए जा रहे हैं। अच्छा एक बात समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी ये कहता है कि एक्टिव से पैसे बनाओ, तो वहां पर यह समझ लेना काम एक्टिव में भी जो कर रहा होता है वही पैसिव में कर रहा होता है, बात समझ रहे हो? लेकिन जब वो ये कहता है कि चेक करो ये एक्टिव ठीक है पैसिव ठीक है, वो अलग केस है, वहां पर लफड़ा चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना? वहां पर फिर काम बदल जाता है। मैं बता दूंगा क्या चेक करें, फिलहाल समझ लो यह कपड़े कौन धो रहा है? मैं। और इसकी हिंदी है कपड़े मेरे जरिए धोए जा रहे हैं, तो अब भी कपड़े कौन धो रहा है? मैं ही धो रहा हूं। तो ये ध्यान रखना जब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है तो जनरली जो काम सब्जेक्ट कर रहा होता है एक्टिव में वही सब्जेक्ट पैसिव में कर रहा होता है, वो भले ही आ ऑब्जेक्ट की जगह रहा है उससे मतलब नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखिए, अब ये आपके सामने शी वॉज मेकिंग मिस्टेक्स, वो गलतियां कर रही थी। अब देखो इसमें जब मैं पैसे बनाऊंगा, इसे मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये आ रहा है ना कैमरे में, आ रहा है ना? तो देखो सबसे पहले मैंने कहा ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आओ, कैची का गुणा करना है, कर दो, मिस्टेक्स का मिस्टेक्स ही रहेगा भाई, पूछो क्यों? अरे भाई ये मिस्टेक्स इसमें तो है नहीं ना, प्रोनाउन तो नहीं है ना, नाम है, ऐसी रहेगा। पहला काम कर दिया आपने बहुत अच्छे, दूसरा गुणा किया कैची का, यहां का सब्जेक्ट भाई के साथ जाएगा और शी का क्या हो जाएगा? हाया ना। देखो भाई देखो देखो इधर देखो, शी का क्या हो जाएगा? पीछे देखो कैसे कहता है वो, चले देखे वो मोटू से लगा एक। आगे देखो दो काम कर दिया आपने भाई, दो काम हो गए ना, अब तीसरा काम क्या है बताओ भाई? तीसरे नंबर पर लगानी है थर्ड फॉर्म मेकिंग, यानी मेक में आईएनजी लगा के बनी है, मेक है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई बोलो? मेड, एम ए डी ई। अगर ये ई हटा दिया एम ए डी लिख दिया इसका मतलब होता है मेड, पागल, क्रेजी, इनसेन, ठीक है, याद रहेगी बस। चलो अब यहां पे जो पॉइंट है आखिरी चौथा वो है हेल्पिंग वर्ब का, तो फिर से पहचानो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है। देखो भाई वॉच क्या है? बी वर्ब, बी वर्ब के साथ आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, और बी वर्ब का डब्बा नंबर टू है तो पास का कॉन्टिन्यूअस, ऐसे पोस्टमार्टम किया करो। अब कहने का मतलब ये है मेरा, मैं आपको बता चुका हूं कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में जैसी हेल्पिंग वर्ब ऊपर है वैसी नीचे, वॉज वर है ना तो वॉज वर ही आएगा। अब देखो आप, अच्छा ये समझ लो वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई ही शी इट या किसी का नाम, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट, यू वी दे, ठीक है भाई, अरे हाँ है ना। और इज एम आर का भी ध्यान रखना, इज आएगा सिंगुलर के साथ, ही शी इट किसी का नाम, एम आई के साथ, और आर जितने भी प्लूरल हैं, वी यू दे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहां पर देखो मिस्टेक्स प्लूरल है तो क्या करेंगे, वॉज या वर? वर, अरे वर करेंगे वॉज करेंगे, बोलो ना, डब्ल्यू ई आर ई वर, इसे कुछ लोग वेयर पढ़ देते हैं, वो डब्ल्यू एच ई आर ई होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेम कर दी, अब लास्ट में क्या बढ़ाना है बस, बोलो भाई, बीइंग, बी ई आई एन जी, क्लियर है? ये बन गया आपका पैसे, एक बार फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आओ, सब्जेक्ट को वाई के साथ वहां पे ले जाओ, हो गया कैची का गुणा, दो स्टेप हो गए, तीसरे नंबर पर थर्ड फॉर्म लगाओ, और लास्ट में हेल्पिंग वर्ब को देख लो टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट है तो सेम रखनी है, फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, सेम रखी, बस बढ़ाना क्या है, बाकी तो आसानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, साइन इन ऑफ।